नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 12 दिसंबर 2018 तक के किसानों का 2 लाख तक का कर्ज किया माफ। राष्ट्रीयकृत बैंकों को छोड़कर जिला सहकारी बैंक से जुड़े 1.5 लाख किसान होंगे लाभान्वित। जिला उद्योग व्यापार केंद्र में बेरोजगारों को नहीं मिल पा रही जानकारी, स्टाफ की अनुपस्थिति से परेशान हुआ युवा बेरोजगार। धान उठाव न होने की समस्या ने किसानों की बढ़ाई चिंता। अवकाश के कारण 2 दिन बंद है धान खरीदी, रात में धान की रखवाली करने मजबूर अन्नदाता। 42वीं स्वर्गीय नारायण सह स्मृति अखिल भारतीय स्वर्ण कप हॉकी टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ। और धान खरीदी के केंद्र चंदना से 1 ट्रक धान की चोरी, पुलिस की गिरफ्त में चोर का माल हुआ बरामद। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के तहत मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंत्री परिषद की बैठक में 12 दिसंबर 2018 तक के ऋणी किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री के इस फैसले से राष्ट्रीयकृत बैंकों को छोड़कर जिला सहकारी बैंक से संबंधित 1.5 लाख किसान लाभान्वित होंगे, जिनका 425 करोड़ का कर्ज माफ किया जाएगा। आपको बता दें कि इसके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा 31 मार्च तक के ऋणी किसानों को 2 लाख तक का कर्ज माफ करने का फैसला लिया गया था, जिसमें लगभग 55 लाख किसानों को इस योजना का फायदा मिल रहा था। मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा पूर्व में लिए गए इस निर्णय से ज्यादातर किसान नाराज थे, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 31 मार्च की जगह अब 12 दिसंबर तक के ऋणी किसानों का कर्ज माफ करने का निर्णय लिया है, जिसे जिले के राष्ट्रीयकृत बैंक से संबंधित करीब 1.5 लाख किसानों को लगभग 425 करोड़ रुपए का कर्ज माफ होगा, जिसकी पुष्टि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक महाप्रबंधक पीएस धनवाल द्वारा की गई है। जिले में बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के अहम मकसद को लेकर जिला उद्योग व्यापार केंद्र की स्थापना की गई है, लेकिन युवाओं को इस कार्यालय से पुख्ता जानकारी प्राप्त न होने के कारण उन्हें मायूस होना पड़ रहा है। पद्मेश न्यूज टीम ने शनिवार को जब जिला उद्योग कार्यालय का जायजा लिया तो कार्यालय के अधिकांश कक्ष खाली थे। वहीं कार्यालय में बेरोजगार युवा जानकारी के लिए अधिकारियों का इंतजार करते हुए नजर आए, जिनसे जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि वे काफी समय से अधिकारियों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कार्यालय में सक्षम अधिकारी व कर्मचारी मौजूद नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आप आए थे किस वजह से, क्या उद्देश्य को लेकर आए थे? सर, कुछ व्यापार करने की उमंग है और कुछ अपने को आगे बिजनेस करने और कुछ सलाह लेना था, इसी विषय में आए थे। सर, क्या जानकारी मिली यहाँ? अभी तो सर ऑफिस दफ्तरों में कोई भी कर्मचारी दिखे नहीं। अच्छा, तो किस प्रकार की दिक्कत महसूस कर रहे हैं? युवा हैं आप जी सर, और रोजगार से जुड़ना चाहते हैं, तो क्या लगता है कि इस प्रकार की व्यवस्था से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? आप संतुष्ट तो है सर, पर उतना पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। यानी क्या व्यवस्था होनी चाहिए? जैसे आप उतनी दूर से आए हैं तो यहाँ पर ना कोई जानकारी मिल पा रही है आपको। व्यवस्था सर अच्छी व्यवस्था होना चाहिए आने वालों के लिए। अच्छा, तो अब क्या करेंगे आप, बैठेंगे कि जाएंगे? नहीं सर, अभी जानकारी लेना है। अगर मान लीजिए कर्मचारी आपको 2 घंटे नहीं मिलते, तब भी बैठे रहेंगे आप?
उतनी देर कहाँ रुक पाएंगे सर, अब समय किसके पास है, चले जाएंगे नहीं मिलेंगे तो। नाम भी आपका? मेरा नाम सतम है। किस पद पे हैं? मैं यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर पद पे। कहाँ पे? यहाँ पे जिला प्रौद्योगिकी में। अच्छा, यहाँ पर जो है जितने भी आते हैं बेरोजगार, उनके लिए जो सूचना होती है या जानकारी कौन देता है? हमारे यहाँ असिस्टेंट मैनेजर है, मैनेजर सर है। अच्छा, अभी कोई भी नहीं है, कहाँ है? अभी मैडम और सब लोग अभी वहाँ गए हैं, बैंक गए हुए हैं। अच्छा, फिर जानकारी कौन देगा? यहाँ पर हम लोग भी दे सकते हैं। अच्छा, आपको अथॉरिटी है? सर जैसा कोई नहीं रहता, बाकी हम लोग दे सकते हैं, बाकी जो कॉम्प्लेंट हुआ वो हम लोग दे सकते हैं। अच्छा, कॉम्प्लेंट दे सकते हैं जी हाँ। जानकारी आप परफेक्ट नहीं दे पाएंगे? बाकी हमारे में देते मैनेजर सर लोग हैं और जो असिस्टेंट मैनेजर सर हैं वो देंगे आपको जानकारी। और भी जैसे सब्सिडी है, फिर उनका कोई औचित्य ही नहीं है फिर जब आप सब जानकारी दे देंगे तो। किस पद पे आप? चपरासी। कहाँ पर? यहीं पे। अच्छा, अभी कर्मचारी नहीं है, कहाँ गए सर? लंच पे गए सर। टाइमिंग क्या रहती है लंच की? डेढ़ बजे से। डेढ़ बजे से रहती है? अच्छा, एक बजे से ही गायब है सर। क्या नाम है आपका? भरत राव। वहीं दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान जिला उद्योग व्यापार केंद्र के महाप्रबंधक अखिल चौरसिया ने बताया कि वे अवकाश पर हैं और वर्तमान में जबलपुर में हैं। वहीं उनके अधिकारी कलेक्ट्रेट में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होने गए हुए हैं। नगर में 13 जनवरी को सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की 352वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। इस अवसर पर 2 जनवरी से प्रभात फेरी सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस संदर्भ में गुरुद्वारा के सचिव JS सौंधी ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। सर, ये देखा गया कि आप लोगों के द्वारा रोज प्रतिदिन 2 तारीख से प्रभात फेरी निकाली जा रही है, क्या मकसद है प्रभात फेरी निकालने का और क्या रहता है सर ये? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जैसा कि जग जाहिर है कि आने वाली 13 तारीख जनवरी को सिखों के 10वें गुरु धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म दिवस पूरे संसार में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाने वाला है। उसको मुख रखते हुए हम बालाघाट के समस्त साध संगत, सिख समाज संगत और जो भी गुरु नानक नाम लेवा है, अदर समाज वाले भी, वो 13 तारीख को जो गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जानी है उसके मद रखते हुए हम 2 तारीख से रोज़ाना सुबह प्रभात फेरी निकाल रहे हैं। उसका तात्पर्य यह है कि हम जो प्रभात फेरी निकालते हैं वो पूरे नगर का भ्रमण करते हुए एक शब्द कीर्तन करते हुए जो हमारे ग्रंथसार में लिखा हुआ है, ताकि हमारे नगर का वातावरण स्वच्छ हो सके और साफ और स्वच्छ हो सके, उसके लिए हम 2 तारीख से हमारी प्रभात फेरी निकल रही है जो कि 7 तारीख तक चलते रहेगी। 9 तारीख को बड़े ही धूमधाम के साथ में एक नगर कीर्तन पूरे शहर का भ्रमण करेगा, जिसमें कि पंच प्यारे बनेंगे और सभी समाज उसमें इकट्ठा होगा, जो भी गुरु गोविंद सिंह को मानने वाला है, ग्रंथ साहब को मानने वाला है। किसानों के धान को उपार्जन मूल्य पर खरीदी उपार्जन केंद्रों के माध्यम से शासन द्वारा की जा रही है। खरीदी केंद्रों में बड़ी तादाद में धान पहुंचने के चलते डंप धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। किसानों को अपने धान बेचने खरीदी केंद्रों में रात में जाकर अपने धान की रखवाली करना पड़ रहा है। किसानों ने शासन प्रशासन से परिवहन की व्यवस्था को ठीक कर किसानों की धान को खरीदने बेहतर व्यवस्था बनाने की मांग की है। वहीं व्यवस्था में सुधार न होने पर किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं शनिवार और रविवार को अवकाश होने के चलते किसानों की परेशानी और बढ़ गई है, क्योंकि अवकाश के दिन भी आज बड़ी संख्या में किसान पहुंचे, जिन्हें सोमवार तक धान बेचने के लिए परेशान होना पड़ेगा।
क्या नाम सर आपका? प्रकाश बनोटे। बनोटे जी कहाँ से आए आप? ग्राम बटेरा से। कब से आए हैं आप यहाँ पर? हाँ कल से आए। तो आपकी धान खरीदी गई है नहीं गई अभी तक? नहीं, कल तो नहीं की गई थी। आज भी नहीं की गई है? आज भी नहीं की। अब यहाँ पे क्या है व्यवस्था, मतलब शासन से परिवहन में इन्हें व्यवस्था कम जा रही है, इन्हें परिवहन नहीं हो पा रहा है, इस कारण से यानी किसानों को परेशानी आ रही है। शासन को व्यवस्था बनाना चाहिए कि परिवहन फटाफट होते रहे, और उसके पश्चात यानी जो किसानों को परेशानी आने की, जैसे बारदाना यानी परिवहन नहीं हो रहा है, तो उस कारण से जगह नहीं बन पा रही है, इस कारण से यानी परेशानी जा रही है। बारदाना नहीं उठ रहा है। अगर ऐसे ही होते रहा तो भाई किसान लोग सभी लोग यहाँ आंदोलन करेंगे। क्या नाम आपका? तिलक राम नकपुरे, बगदरा से। बगदरा से आए हैं नकपुरे जी। ये बताया कैसे आना होता है यहाँ पर? मैं धान लेकर के देखने के लिए आया था, लेकिन यहाँ की व्यवस्था देख करके मैं अभी नहीं लाने चाह रहा हूँ। क्या व्यवस्था देखी आपने आप? यहाँ तो पूरा धान जैसा वैसा पड़ा हुआ है अभी। क्यों तो क्यों नहीं लाना चाह रहे आप? जैसे धान पड़ा हुआ अभी, फिर भी तो धान खरीद। एक रात दो दो रात जगना पसंद नहीं कर रहा है। अच्छा, तो परेशानी होती है उसमें? हाँ परेशानी हो रही है। किस तरीके की परेशानी होगी उसमें? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अभी नहीं ला रहा धान तो कब लाएंगे फिर? लाएंगे। यहाँ की व्यवस्था तो अच्छे से बने, क्योंकि बारदाना नहीं उठ रहा यहाँ का भरा हुआ। यानी व्यवस्था सुधरेगी तब लाए बुलाओगे। मेरा नाम बबलू लीलारे है। कहाँ से आप? गोंगली से। गोंगली से आए हैं। अच्छा ये बताओ यहाँ कैसे आना होता? धान बेचने के लिए। धान लाए हैं आपने? लाए भी है। और क्या है, यहाँ पर जो समिति की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बाकी जो परिवहन के कारण ना थोड़ा सा व्यवस्था ढप हो गई यहाँ पर। तो दो दिन से हुए यहाँ पर। दो दिनों से? हाँ। तो किस तरीके की परेशानी आ रही है फिर भी? मतलब जैसे परिवहन नहीं हो रहा है यहाँ पर, और क्या बोलते हैं, बहुत दिक्कत सामना करना पड़ता है हमारे को। अभी नंबर लगा कि नहीं लगा आप? नहीं लगा अभी। संतोष पटले। पटले जी कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ गोंगले रहता हूँ। कैसे आना हुआ था यहाँ पे? मैं क्या हुआ, अभी बीच में चुनाव उनाव के जो आशा से तक चक्कर में जो खरीदी के लेट होने के कारण धान नहीं लाए थे, जो कि एक तारीख से यहाँ पर खरीदी चालू हुई है। फिर हम आज पूछने आए थे यहाँ की धान की व्यवस्था लाने की कैसी क्या है। तो मैं यहाँ पर जो हमारी खरीदी में जो लीलारे जी है उनसे मैंने बात किया, उनने बोला कि बोले आज से खरीदी बंद है। तो उसका कारण मैंने पूछा किस कारण से, तो बोले यहाँ पर जो परिवहन नहीं हो पा रहा है और बहुत से ऑफलाइन की समस्याएं जो यहाँ पर बता रही है, ऑफलाइन के कारण जो समस्या आज और कल, और बहुत किसान यहाँ पर अभी पड़े हुए हैं दो दिन से। इन्होंने बोले जब तक व्यवस्था नहीं बनेगी, परिवहन नहीं हो रहा है, तो बोले आप धान मत लाइए। तो सोमवार मंगलवार से कई स्थिति बनेगी तभी, नहीं तो यहाँ लाके वही है, दो तीन जगना पड़ेगा जग सकता। अच्छा ये देखा गया कि काफ़ी जब से धान खरीदी स्टार्ट की गई है तब से किसानों को काफ़ी परेशानी है। आज भी थी, पहले भी चलते, जब से चलते आ रहे किसानों की सुविधा यहाँ पर नहीं हो पाती, व्यवस्था की हर समय दिक्कत रहती है। आज भी की बात है, पिछले बार भी ऐसी दिक्कत थी और आज भी वही दिक्कत है। वहीं इस संदर्भ में खरीदी केंद्र बालाघाट के प्रभारी विजय लिल्हारे ने कहा कि धान परिवहन ना होने के कारण समस्या आ रही है। लिल्हार जी, आपके यहाँ से धान खरीदी बंद कर दी गई है, क्या वजह से बंद कर दी गई है और किसानों को काफ़ी परेशानी हो रही है यहाँ पे? दो दो तीन तीन दिन से किसान आ रहे हैं यहाँ पे। शासन के निर्देश है कि शनिवार और रविवार ऑफलाइन बंद रहता है, ऑनलाइन नहीं हो पाता है, इसलिए ये खरीदी व्यवस्था बंद रहती है। और ये देखा कि किसान दो दो तीन तीन दिन से भी आया हुआ है आपको, उनकी धान अभी तक नहीं खरीदी गई है। हाँ तो बीच में क्या था, परिवहन नहीं होने के कारण बंद थी व्यवस्थाएँ, और फिर चुनाव के बाद में फिर इस व्यवस्था को चालू कर दिया गया है, और किसान बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं, और हमारी खरीदी की जो व्यवस्थाएँ हैं वो लगभग हम 5 से 8 हज़ार बोरी के बीच में रोज़ काटा करते हैं, फिर भी ऐसे हैं कि कुछ लोग बच पाते हैं। अभी तक परिवहन होने लगा है? अभी तक ये देखा कि काफ़ी डंप हो रखा हुआ है माल, अभी तक नहीं उठ पाया, क्या वजह से मतलब इतनी लेट लतीफी हो रही है परिवहन? प्रशासनिक रूप से परिवहन की व्यवस्था ठीक से नहीं होना सबसे बड़ी समस्या है कि परिवहन। वहीं इस मामले में जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक PS धनवाल ने कहा कि व्यवस्थाएं बेहतर होंगी और आंदोलन करने जैसी स्थिति नहीं आएगी। देखिए इस वर्ष परिवहनकर्ताओं की नियुक्ति में थोड़ा विलंब हुआ अपरिहार्य कारणों से, लेकिन आज की डेट में परिवहनकर्ताओं की नियुक्ति हो चुकी है। जो बेकलाक समितियों में रखा हुआ कुछ हमने ऐसी समितियां चिन्हित की जहां पर जो उपार्जित धान है उसको रेडी टू ट्रांसफ़र हमारे कर्मचारियों ने नहीं किया, लापरवाही कुछ लोगों ने की, ऐसे भी 30-40 केंद्र हमने चिन्हित किए हुए थे। उन केंद्रों उस स्थिति को देखते हुए आज सभी को यहाँ पर बैठक आहूत की गई है, डाटा एंट्री ऑपरेटर प्लस सोसाइटी के मैनेजर
तो जो जो कार्रवाई बैंक और समिति की तरफ से होनी थी, रेडी टू ट्रांसफ़र करना था, दूसरा उनको ऑफलाइन में जो परिवहन हो गया उसको ऑनलाइन करना था, ये सब मुद्दे आज अवकाश है, कल भी अवकाश है, इन दोनों दिनों में 100% हमारे साइड की जो पेंडेंसी वो क्लियर कर दी जाएगी। इसके पश्चात कलेक्टर महोदय के द्वारा सभी ट्रांसपोर्ट की 2-3 दिन पहले बैठक रखी थी ट्रांसपोर्टर की, उनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो सभी लोग प्राथमिकता के साथ में गाड़ियां बढ़ाएं और नो एंट्री का जो एक निर्देश था जिले में कलेक्टर साहब ने, वो भी एक आदेश जारी किया कि जो धान उपार्जन का जो परिवहन होगा वो उन गाड़ियों को कहीं रोका ना जाएगा, तो नो एंट्री की उस पर एक स्टिकर लगा दिया जाएगा। तो कुल मिला के जिला प्रशासन और जो संबद्ध एजेंसियाँ, जिला विपणन अधिकारी या कोऑपरेटिव बैंक या जिला खाद्य अधिकारी, सभी की तरफ से समन्वित रूप से ये प्रयास है कि ये स्थिति 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाए। कटंगी के वार्ड नंबर 8 में स्थित मोक्षधाम के चारों ओर हो रहे अवैध उत्खनन के चलते समस्याएं गंभीर हो गई हैं। इस उत्खनन के चलते पूर्व में दफनाए गए शव तक दिखाई देने लगे हैं, वहीं राजस्व विभाग द्वारा अब तक इस समस्या को लेकर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसके अलावा नगर पालिका द्वारा मोक्षधाम से साफ सफाई की व्यवस्था नहीं की गई है। बैहर रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर खड़े 2 मोटरसाइकिल को एक बुलेरो गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे भरवेली थाना में पदस्थ एएसआई चित्रसेन ठाकरे और देवटोला वार्ड नंबर 4 निवासी वीरेंद्र भारद्वाज घायल हो गए, जिन्हें 108 की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एएसआई चित्रसेन ठाकरे भरवेली थाना से बालाघाट आ रहे थे, तभी बैहर रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे फाटक बंद हो गया था, जिसे देख एएसआई चित्रसेन अपनी मोटरसाइकिल रेलवे फाटक के किनारे लगाकर खड़े हो गए, जिनके पास ही वीरेंद्र भारद्वाज ने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर दी और वे फाटक के उठने का इंतजार करने लगे। इतने में ही बैहर रोड से बालाघाट की तरफ आ रही एक तेज रफ्तार बुलेरो क्रमांक CG13D1111 ने दोनों मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार दोनों लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बुलेरो वाहन चालक बिरसा ग्राम थारेमेटा निवासी धनराज पटले को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस थाना परसवाड़ा के अंतर्गत धान चोरी के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है, जिसमें जालसाजी से ट्रक का मोनो और नंबर प्लेट बदलकर धान खरीदी केंद्र से करीब 3,64,000 रुपए का माल लेकर भागते हुए आरोपियों को पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक परसवाड़ा के चंदना खरीदी केंद्र के खरीदी प्रभारी घनश्याम सोनवाने ने 3 जनवरी को थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि एक ट्रक चालक करीब 500 बोरे धान धोखाधड़ी करके ले गया है। इस मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया और धान से लदा ट्रक मंडला जिले के फूल सागर तिराहे से पकड़ने में सफलता हासिल की है। इस मामले में अपराध कायम कर एक आरोपी को न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया है, वहीं एक आरोपी को फरार बताया गया है। इस मामले में परसवाड़ा थाना प्रभारी रोहित यादव ने बताया कि ट्रक मालिक प्रदीप झारिया ने सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया, जिसे साइबर सेल की मदद से पकड़ लिया गया है। ये परसवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चंदना में धान खरीदी का काम चल रहा है। धान खरीदी सोसाइटी के माध्यम से हो रही है। सोसाइटी के खरीदीकर्ता घनश्याम सोनवाने ने दिनांक 3 तारीख को शाम को आकर ये रिपोर्ट की थी कि धान के परिवहन करने के लिए जो रजिस्टर्ड हैं श्री कोचर जी, उनके ट्रक के रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करके और उनके ट्रक की प्रचलित पहचान को बदल कर प्रदीप झारिया नाम का एक ट्रक मालिक है, वो अपने ड्राइवर के साथ मिलकर लगभग 500 बोरी धान धोखा देकर ट्रक की नंबर प्लेट को बदल कर चुरा कर लेके गया है, जिस पर थाना परसवाड़ा में अपराध क्रमांक 2 धारा 420 467 68 71 और 379 का पंजीबद्ध किया गया है दोनों ही आरोपी गणों के विरुद्ध। मामले को जांच में लिया गया है और आरोपी गण और ट्रक की तलाश की गई है। तलाश के दौरान टीम गठित की गई, टीम ने दबिश दी है तो मंडला बाईपास पर यह ट्रक जब्त किया गया है। आरोपी ट्रक चालक प्रदीप झारिया जो लालीपुर का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया है।
और उसके कब्जे से चोरी हुआ सारा माल 495 बोरी धान को जब्त कर लिया गया है। इसका ड्राइवर श्याम उर्फ दीपक पटेल जो मंडला का ही रहने वाला है ये फरार है और इसे गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। और पूछताछ करने पर यह पता चला है कि प्रदीप झारिया और इसका ड्राइवर श्याम उर्फ दीपक इन पर कुछ कर्ज है और कर्ज को चुकाने के लिए पैसों की ज़रूरत होने की वजह से इन्होंने इस तरीके से फोर्जरी करके नंबर प्लेट को बदल के और रजिस्टर्ड परिवहनकर्ता की प्रचलित जो पहचान है ट्रक में जो JKT लिखा रहता है उसे लिख कर इन्होंने धोखे से 500 बोरी माल चुरा लिया है। आरोपी गणों को गिरफ्तार कर लिया गया है, आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। सर ट्रक किसके नाम से है? ट्रक आरोपी प्रदीप झारिया जो लालीपुर का रहने वाला है उसके नाम पर है और जो श्याम उर्फ दीपक है ये इसका ड्राइवर है, कभी ज़रूरत होने पर ये इसे बुला लेता है ड्राइवरी करने के लिए। नगर पालिका परिषद एवं नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को 42वीं स्वर्गीय नारायण सिंह स्मृति अखिल भारतीय स्वर्ण कप हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। नगर पालिका स्कूल मैदान में आयोजित इस टूर्नामेंट में देश के विभिन्न राज्यों से आई टीमों ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन, CCF मोहन मीणा, नेहरू स्पोर्टिंग क्लब एवं नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष राजकुमार रायजादा सहित वरिष्ठ गणमान्य नागरिक मौजूद रहे, जहां नगर पालिका अध्यक्ष श्री धुवारे ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, जहां उद्घाटन मैच रुड़की पंजाब और नागपुर के बीच खेला गया जिसमें रुड़की पंजाब ने 4-1 से जीत हासिल कर अपना खाता खोला। वहीं दूसरा मैच राजनंदगांव एवं सिवनी के बीच खेला गया। अब तक की स्थिति में दोनों ही टीम 1-1 की बराबरी पर सेट किया गया, बाधा पहुंचाई गई। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्री धुवारे ने कहा कि नेहरू स्पोर्टिंग क्लब और नगर पालिका के संयुक्त तत्वाधान में यह प्रतियोगिता रखी गई है और यह टूर्नामेंट हर वर्ष आयोजित होगा। यहाँ के नागरिकों का और नेहरू स्पोर्टिंग क्लब का और सभी लोगों का मैं आभार और इनका धन्यवाद अदा करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार का टूर्नामेंट हमेशा चलता रहे। यहाँ पे लगभग 36 टीमें इस बार देश की अच्छी टीमों का आमंत्रित किया गया है जिसे हमें उत्कृष्ट हॉकी का खेल देखने को मिलेगा। मैं सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद अदा करता हूँ। और वही कार्यक्रम में मौजूद CCF ने इस आयोजन की सराहना की। नए साल में आदमी नई ऊंचाइयों में चढ़ता है, मुझे आशा ही नहीं तो विश्वास भी है कि इस प्रकार से अगर 26 टीमें जो अलग देश के अलग अलग प्रांत से यहाँ आकर के खेलेंगे तो निश्चित तौर पे बालाघाट के जो युवा हैं उनका मनोबल बढ़ेगा और निश्चित तौर पे बालाघाट इंडिया में भारत में कहीं के विशेष स्थान प्राप्त करेगा। मुझे आशा ही नहीं अपील विश्वास है, जैसा महानुभाव लोगों ने बताया कि इस टूर्नामेंट की रेटिंग इंडिया में 2nd है। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन ने कहा कि खेल भावना से खेल होना चाहिए, हार और जीत खेल के सिक्के के दो पहलू हैं। निश्चित रूप से बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि 42वीं नारायण स्मृति अखिल भारतीय हॉकी स्वर्ण कप का प्रतियोगिता का कार्यक्रम यहाँ संपन्न होने जा रहा है और हर वर्ष बहुत ही अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाता है और यहाँ पर सभी लोग इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और सबका सहयोग से इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। मैं यहाँ पर आए हुए सभी हमारे टीम में हमारे नवयुवक बंधुओं को हार्दिक शुभकामना देती हूँ कि जैसे यहाँ पर लगातार 11 तारीख तक के यहाँ पर खेल का प्रतियोगिता होगी और सभी लोग उसमें प्रतिभा में सहभागी होंगे और खेल को खेल भावना से खेलेंगे और निश्चित रूप से एक लक्ष्य बनाकर, क्योंकि यदि हमने अपना लक्ष्य बना लिया और अपने मेहनत और एक कड़ी मेहनत के साथ संघर्ष किया तो निश्चित रूप से सफलता हमें मिलती है
और मैं सभी हमारे खिलाड़ी बंधुओं से कहना चाहती हूँ कि आप लोग खेल भावना से खेले। मैं आपको बहुत शुभकामना देती हूँ क्योंकि खेल तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कभी हार होती है, कभी जीत होती है, लेकिन हमें सीखने मिलता है। जिला शिक्षा अधिकारी निर्मला पटले के नेतृत्व में शनिवार को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में इंस्पायर अवार्ड के आयोजन को लेकर आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिसमें सभी विकासखंड के बीईओ और बीआरसी शामिल हुए, जिन्हें जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस संदर्भ में श्रीमती पटले ने कहा कि 7 जनवरी को इंस्पायर अवार्ड का शुभारम्भ किया जा रहा है, जिसको लेकर आवश्यक तैयारियाँ की जा रही है। 7 और 8 जनवरी को इंस्पायर अवार्ड मानक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है जिला स्तरीय, और इसमें प्रारंभिक तैयारी प्रारंभ कर दी गई है, और 7 और 8 तारीख को 7 तारीख को इसका उद्घाटन किया जाएगा। उद्घाटन में माननीय कलेक्टर महोदय और सीओ माननीय सीओ जिला पंचायत के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। जिले के विभिन्न स्थानों से 213 बच्चे यहाँ पर उपलब्ध होंगे, अपने अपने मॉडल्स और अपने अपने जो भी वैज्ञानिक प्रोसेसर होने की है उसके साथ में हर बच्चे को शासन की तरफ से 10,000 रुपये प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें वो मॉडल बना सकते हैं और आने जाने का खर्चा इत्यादि। तो हर बच्चे को अपने मार्गदर्शी शिक्षक के साथ में MLB स्कूल को वेन्यू बनाया गया है, वहाँ पर प्रातः 9 बजे पहुँचना अनिवार्य किया गया है। 9 बजे से 11 बजे के बीच में इनका रजिस्ट्रेशन होगा सारे बच्चों का, और रजिस्ट्रेशन के बाद में प्रदर्शनी शुरू हो जाएगी। इस प्रदर्शनी में 3 अलग अलग आंगनबाड़ी नर्सरी स्कूल शिक्षिका सहायक शिक्षिका एकता यूनियन की शनिवार को जिला स्तरीय बैठक आहूत की गई। सीटू संगठन के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान संगठन के तमाम पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज तक लगातार निरंतर इतने सालों से जो मेहनत किया है, जो संघर्ष किया है, वो इसीलिए किया है कि हमारी जो मांग है अब हमारी सिर्फ मानदेय की मांग नहीं रही, ना हम केंद्र सरकार से अपनी मांग मानदेय की कर सकते हैं और ना ही राज्य सरकार से। अब हमारी यदि मांग है तो सिर्फ हमारी नियमितीकरण की मांग है, और इसी मांग को लेकर हम इस 9 वर्ष में अपना यहाँ दृढ़ संकल्प बनाना है, यहाँ से कसम खाकर जाना है कि हम सबको जितने लोग आए हैं उससे ज्यादा जो बहने लोग इधर उधर जा रही हैं उनको एकता करके और हम शासन को हमारी एकता का परिचय देते हुए हम आगे आएंगे और हमारी जो नियमितीकरण की जो लड़ाई है उसको हम सफल बनाएंगे। और हमारा जब तक हम अपने लक्ष्य को, हमारे उद्देश्य को और हमारी सोच को यदि मजबूत नहीं रखेंगे, हमारी सोच को यदि। इस संदर्भ में सीटू पदाधिकारी इकबाल अहमद कुरैशी ने बताया कि केंद्र सरकार ने अपने वादों को पूरा नहीं किया, जिसके विरोध में लगातार आंदोलन किए जाएंगे। जैसा कि हमारे भारतीय संविधान में प्रावधान है समान कार्य का समान वेतन, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वीकार किया समानता के अधिकार के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14-16 में समानता का जो अधिकार दिया उसी को लेकर के, इसको लेकर के 44वें 45वें सम्मेलन में माननीय मोदी जी ने कहा था कि हम कार्यकर्ता सहायिकाओं को समान कर का समान वेतन देंगे, नियमित करेंगे। फिर मेनका गांधी जी ने कहा कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देंगे। पत्रकारों साथियों के लगभग 250 पत्रकार साथियों के समक्ष ही पत्रकार वार्ता में कहा था, लेकिन ना मोदी जी ने अपने वादे पूरे किए वर्तमान समय के, ना मेनका गांधी जी ने वादे पूरे किए। जैसा कि अभी राज्य सरकार ने हमारा कार्यकर्ता सहायिकाओं का 5,000 से 10,000 रुपये का मानदेय दुगना किया, वृद्धि की, लेकिन केंद्र की ओर से मात्र 1,500 रुपये की वृद्धि की गई है। बड़ी शर्मनाक बात है, जबकि इनका जो अंशदान रहता है केंद्र का 60% और राज्य का 40%, उस आधार पर आज केंद्र को लगभग 16,000 रुपये देना चाहिए राज्य के अंशदान की तुलना में। तो ये 16,000 की जगह अभी हमको मात्र 4,500 रुपये केंद्र की ओर से मिल रहा है हमारे कार्यकर्ता सहायिकाओं को। और जैसा कि अभी कमलनाथ जी ने कहा है कि हम कार्यकर्ता सहायिकाओं को नियमित करेंगे, तो बात आती है कि इनको नियमित किस बात पर किया जाए।
खैरलांजी के अंतर्गत ग्राम पंचायत भंडारा में महाकाल ग्रुप के तत्वाधार में 28 दिसंबर से जारी 9 दिवसीय शिव महापुराण का शनिवार को हवन पूजन और विशाल भंडारे के साथ समापन किया गया। वहीं रात्रि में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन भी किया गया। आज के आनंद यहाँ 9 दिवसीय ये आपका पूरा परिचय। मैं अजय बैस और मैं इसी ग्राम का निवासी और इस कार्यक्रम में सदस्य महाकाल। क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया था? कार्यक्रम यह रहा कि संगीत में शिव महापुराण का आयोजन हुआ भंडारा में 9 दिवसीय, और इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि धर्ममय वातावरण बनाने का और एक सामाजिक एकता और समाज के अन्य जो लोगों तक बात धर्म की बात पहुंचाने का, और शिव जी किस तरह से महापुराण में कथाएं होती थी और कथा के माध्यम से हम देखते थे कि अलग अलग और वही कथा को जिंदगी में किस तरह से हम उतारें, इसको लेकर ही यहाँ संगीत में 9 दिवसीय पुराण का आयोजन। प्रफुल्ल, आप पूरे भंडारा से। आपके यहाँ भंडारा में 9 दिवसीय शिव पुराण का आयोजन किया गया, इस आयोजन के माध्यम क्या संदेश देना चाहेंगे आप क्षेत्रवासियों को? हाँ, इस आयोजन के थ्रू एक तो ये कहे कि धार्मिक प्रचार प्रसार तो करना ही तो जरूरी है, उसके बाद में जो आजकल टीवी के माध्यम से चाहे इंटरनेट के तरफ जो युवा पीढ़ी आकर्षित हो रही है, तो उन पीढ़ी को थोड़ा सा क्या है कि पुराणों के बारे में, अपने ग्रंथों के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में नॉलेज रहे और उनको बहुत कुछ सीखने को मिलती है। क्योंकि ऐसे कार्यक्रम जब धार्मिक कार्यक्रम आज होते हैं तो लगभग मैं तो सोचता हूँ कि गाँव में लगभग नशा मुक्ति से भी नहीं क्या ये क्षेत्र लगभग बहुत कम प्रमाण में देखने को मिलता था कि युवा नहीं के नशे की तरफ जो आकर्षित होता है, ऐसे धार्मिक कार्यक्रम होने से नहीं के नशा मुक्ति का भी एक संदेश नहीं क्या क्षेत्र भर नहीं के जाता है, वैसे गांव में तो काफ़ी सुधार हुआ है इस नौ दिन में। बारासिवनी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत गर्रा के रेलवे स्टेशन के पास रेंगा टोला पुल के पास शुक्रवार को ट्रेन की चपेट में आने से एक 38 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जिसकी शिनाख्त नहीं होने के कारण पुलिस ने आवश्यक कार्यवाही कर शव का अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन इस महिला की शिनाख्त शुक्रवार को छिंदी टोला जागपुर निवासी झमेश्वरी बिसेन के नाम से हुई, जिसकी सूचना उसके परिजनों ने पुलिस को दी। वहीं शनिवार को पुलिस परिजन और ग्रामीणों की मौजूदगी में नायब तहसीलदार ने आवश्यक कार्यवाही करते हुए दफन शव को निकालकर परिजनों को सौंप दिया। आपको बता दें कि मृतिका 6 माह से बीमार थी और शुक्रवार को घर में कोई न होने पर उसने यह आत्मघाती कदम उठाया। इस घटना के संदर्भ में नायब तहसीलदार सुश्री लवीना घाघरे ने बताया कि ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई थी, लेकिन शिनाख्त नहीं होने के कारण अंतिम संस्कार कर दिया गया था, लेकिन मृतिका की शिनाख्त होने पर दफन शव को बाहर निकालकर परिजनों को सौंप दिया है। क्या कार्रवाई की गई अभी यहाँ पर? ये कल मृतिका जो थी वो स्टेशन पे रेलवे ट्रेन से कट के मर गई थी, जिसकी शिनाख्त भी नहीं हो पाई थी, तो इसका पीएम करवा के दफना दिया गया था। आज इनके परिजनों को जो पता चला वो शिनाख्त भी हो गई है, तो इनको वापस शव को बाहर निकालने की कार्रवाई की जा रही है। अभी शव परिजन को सौंप दिया जाएगा? शव परिजन को सौंप दिया जाएगा ताकि उनका अंतिम संस्कार सबके रीति रिवाजों के साथ हो सके। मृतिका का नाम और उम्र क्या है? ये झामेश्वरी बाई है, ये 40 साल की है लगभग, ये जागपुर की रहने वाली है। ट्रेन की चपेट में किस कारण से आ गया इसकी जानकारी? इसकी कोई जानकारी नहीं था। आपका नाम? दिनेश बिश। मृतिका कौन है आपकी? पत्नी। तो ये घटनाक्रम कब हुआ? ये सर करीब 2:30 बजे कल की घटना। जी सर। तो उस समय आप कहाँ थे? वारासिवनी में। घर पर कौन था उस समय? उस समय कोई नहीं था। तो ये अचानक पटरी साहब के कैसे आ गई? पता नहीं सर, मैं तो घर पे ही नहीं था सर, मुझे जानकारी नहीं है। या किसी बात को विवाद हुआ आप नहीं लोगों सर, का या कोई कुछ भी विवाद नहीं था सर। तो ये जो कदम उठाई किस कारण से उठाई होगी? वो बीमारी की वजह से सर, तबियत ठीक नहीं थी। कितने वर्षों से बीमार थी? हो गया सर करीब 6 महीने 5-6 महीने। 5-6 महीने? जी सर। कोई कौन सी बीमारी थी सर? पता ही नहीं चला। मानसिक रूप से परेशान रहती थी? जी सर। उन्हें बीमारी के कारण तंग आकर ही इसने ऐसे कदम उठाई। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। तो फिर आपको जानकारी कब लगी? ये रात में लगी सर, 11:30-12 बजे। आपका नाम? महेंद्र चिरसाद। ये कौन है मृतिका आपकी? बड़ी सिस्टर है मेरी। तो कैसे क्या जानकारी लगी आपको? जब मैं मतलब वहाँ पर पहुँचा तो पता चला हमारे को कि हमारी सिस्टर बोल है, ऐसी जानकारी दी गई मुझे। तो जब बोल है ऐसी जानकारी मिली तो उस जगह पहुँचा, उसके बाद फिर पता लगा है हमें। तो जागपुर में हमारे को किराना दुकान वाले ने बताया कि बोले बालाघाट गर्रा में
ट्रेन से हादसा हुआ है उस जगह जाकर फिर चेक कर लीजिए आप। जब वहाँ पहुँचे तो फिर किसी और के माध्यम से अपने को पता चला कि बोले पीली साड़ी है, स्वेटर लाल है, ब्लाउज है और सर पे मतलब रुमाल बांधी हुई है। इस प्रकार से जानकारी मिली तो फिर हमने छानबीन किया कि मतलब छिंदी टोला जो है वारसून क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वारसून थाना में पता लगवा अपने अपने सालों के माध्यम से कि तुम वहाँ जा करके चेक कर लो ऐसे कोई मृतक जो है अपनी सिस्टर है या नहीं है। तो वहाँ जाकर के देखे तो अपने को पता चला कि अपनी सिस्टर है। तो ये बिना बताए क्यों निकलेगी, क्या कारण लगता है? अब इसके बारे में अपने को कोई जानकारी नहीं सर। इसके पहले यानी उसने आत्महत्या की होगी कि या ट्रेन से कट के, क्या मानते हैं आप उसको? तो सुसाइड मानते हैं। सुसाइड मानते हैं। तो ये घर में किसी बात का विवाद हुआ या कभी बताए होंगे आपको आपकी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर? नहीं, इस प्रकार से कोई अपने को जानकारी नहीं। अतिक्रमण की जद में आए जिला सहकारी बैंक की बाउंड्री वॉल को जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक पीएस धनवाल ने स्वयं सामने खड़े रहकर जेसीबी वाहन के माध्यम से तोड़वाया। इस संदर्भ में जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक श्री धनवाल ने कहा कि जिला सहकारी बैंक की बाउंड्री वॉल अतिक्रमण के दायरे में चिन्हित की गई थी, जिस पर बैंक के द्वारा स्वयं पहल करते हुए इस अतिक्रमण को हटाया गया है। जिला प्रशासन के द्वारा जो बालाघाट जिले के सौंदर्यीकरण के उद्देश्य से अतिक्रमण हटाओ मुहिम चलाई जा रही है, उसमें जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की जो बाउंड्री वॉल है वो भी अतिक्रमण की जद में चिन्हित की गई थी। तो बैंक के द्वारा स्वयं पहल करते हुए जो अतिक्रमण की जद में बैंक की बाउंड्री वॉल है उसको हटाया जा रहा है। नहीं, अभी तो देखिए, जो मेरी जानकारी है, जिला प्रशासन एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा शहर बालाघाट शहर के सौंदर्यीकरण के लिए, तो पहले उनके ब्लूप्रिंट का हम इंतज़ार करेंगे किस तरीके से वो यहाँ पर सामने का जो अतिक्रमण हटाकर इस एरिया को किस तरीके से डेवलप करेंगे, प्लांटेशन वगैरह क्या उनका प्लान है, मुझे प्लान का पता नहीं है, लेकिन मुझे ये जानकारी है कि सौंदर्यीकरण का ब्लूप्रिंट तैयार है बालाघाट शहर का। तो जैसे जिला प्रशासन के फिर एक्शन प्लान होगा उस तरीके से जिला सहकारी केंद्रीय बैंक भी उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए यहाँ पर सौंदर्यीकरण में सहयोग प्रदान करेगी और वैसा कार्य करवाएगी। रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स एवं जिला प्रशासन आनंद विभाग के संयुक्त तत्वाधान में नगर के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में आयोजित आनंदम उत्सव व्यापार मेला का शुक्रवार को समापन किया गया। आपको बता दें कि इस व्यापार मेला में 200 स्टॉल लगाए गए थे। वहीं प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों का मनोरंजन किया जाता था। व्यापार मेला के समापन अवसर पर अतिथियों के तौर पर प्रधान न्यायाधीश उमेश गुप्ता, अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम, जिला पंचायत सीईओ जगदीश गौमे सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। समापन अवसर पर प्रतिभागी छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरण किया गया। मेले के आखिरी दिन भारी संख्या में लोगों ने मेले पहुंचकर देर रात तक मेले का लुत्फ उठाया। संदर्भ में रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स के अध्यक्ष महेंद्र देशमुख ने बताया कि इस आयोजन को गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी अच्छा प्रतिसाद मिला है। रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स के द्वारा आनंद उत्सव व्यापार मेला लगाया गया है और यहाँ लगभग 200 स्टॉल लगे हैं, फूड स्टॉल भी है जिसमें ऑटो के भी हैं और मनोरंजन के लिए बच्चों के लिए बहुत सारे नए नए प्रकार के झूले हैं और स्कूली बच्चों और कॉलेज के बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन प्रतिदिन किया गया था
देशवासियों के द्वारा हमेशा की तरह इस बार भी बहुत अच्छा प्रतिसाद देखने मिल रहा है। आप यहाँ देखेंगे कि अभी भी लगभग 8 बज रहे हैं लेकिन पैर रखने की भी जगह नहीं बची है, और हम बालाघाट के शहरवासियों को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे मेले को सफल बनाने के लिए बहुत सहयोग दिया, और आगे भी हम उनसे अपेक्षा करेंगे कि वो इसी प्रकार का हमें सहयोग देते रहें। लगभग कितनी भीड़ अभी तक के आ चुके हैं यहाँ पर? पिछले 8 दिनों में जो आज आखिरी दिन है कुल मिला के। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 12 दिसंबर 2018 तक के किसानों का 2 लाख तक का कर्ज किया माफ। राष्ट्रीयकृत बैंकों को छोड़कर जिला सहकारी बैंक से जुड़े 1.5 लाख किसान होंगे लाभान्वित। जिला उद्योग व्यापार केंद्र में बेरोजगारों को नहीं मिल पा रही जानकारी, स्टाफ की अनुपस्थिति से परेशान हुआ युवा बेरोजगार। धान उठाव न होने की समस्या ने किसानों की बढ़ाई चिंता। अवकाश के कारण 2 दिन बंद है धान खरीदी, रात में धान की रखवाली करने मजबूर अन्नदाता। 42वीं स्वर्गीय नारायण सिंह स्मृति अखिल भारतीय स्वर्ण कप हॉकी टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ, और धान खरीदी के केंद्र चंदना से 1 ट्रक धान की चोरी, पुलिस की गिरफ्त में चोर का माल हुआ बरामद। तो ये थी अब तक की खास खबरें, अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। We'll be right back.